इन मशहूर हस्तियों ने किया धर्मांतरण। भारत एक धर्म प्रधान देश है जहां सनातन धर्म विश्व का सबसे प्राचीन व लोकप्रिय धर्म है। वहीं सिख जैन व बौद्ध आदि मत संप्रदाय भी इसी धरती पर पैदा हुए। इस भारत में इस्लाम व ईसाईयत से विदेशी धरती पर जन्मे मजहबों को भी मान्यता मिली, जिस कारण इस्लाम विदेशी मजहब होते हुए भी भारत में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मजहब है। सनातन हिंदू धर्म के बाद इस्लाम को मानने वाले लोग भारत में सबसे अधिक है, उसके बाद सिख ईसाई बौद्ध व जैन आते हैं। देश में सभी को धार्मिक स्वतंत्रता है, यानी कोई भी किसी भी धर्म को अपना सकता है। आज हम आपको बताते हैं उन मशहूर हस्तियों के बारे में जिन्होंने अपना धर्म छोड़कर दूसरे मजहबों व मतों को कई कारणों से स्वीकार किया। एक, ए आर रहमान। हिंदू परिवार में जन्मे दिलीप कुमार उर्फ आर रहमान की कहानी कुछ हटकर है कि पिता की मृत्यु के बाद बहन की हालत बड़ी नाजुक थी, तो वे एक सूफी मौलवी से मिले, जिसके बाद उनकी बहन स्वस्थ हो गई। इससे दिलीप कुमार में आस्था जाग गई और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दो, आशा गावली। गैंगस्टर से राजनेता बने अरुण गावली की पत्नी आशा गावली अरुण से शादी करने से पहले एक मुस्लिम थी जिनका असली नाम आयशा था। अरुण गावली से विवाह के बाद आयशा आशा गावली बन गई। अरुण गावली के राजनीति में आने के बाद से दोनों दंपत्ति चर्चा में आ गए थे। तीन, अमृता सिंह। सैफ अली खान की पहली पत्नी अमृता सिंह ने सैफ अली खान से विवाह के समय इस्लाम कबूल कर लिया था। जब उन्हें सैफ के साथ इस्लामिक मान्यता के अनुसार शादी करनी थी, सैफ अली खान के अनुसार ये केवल शादी के लिए था। असल जीवन में अमृता ने कभी इस्लाम नहीं कबूला था, जबकि पटौदी परिवार की हर बहू को मुस्लिम बनना पड़ता है, जैसे शर्मिला टैगोर और करीना कपूर खान। चार, दिलीप कुमार। 1922 में पेशावर में जन्मे मोहम्मद यूसुफ उर्फ दिलीप कुमार का परिवार 40 के दशक में मुंबई आकर बस गया था। यहीं पर यूसुफ खान फिल्मों में अभिनय में हाथ आजमाने लग गए। भारत के विभाजन के बाद यूसुफ खान ने एक फिल्म की स्क्रीनिंग से पहले ही अपना नाम बदलकर दिलीप कुमार रख लिया। 5, संगीता बिजलानी। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद जहरुद्दीन ने अपनी पहली पत्नी बीवी नौरीन को तलाक लेने के बाद संगीता बिजलानी से शादी की। संगीता बिजलानी के दो बच्चे हैं जिनके नाम अयाज और असद है। पहली पत्नी से अजहरुद्दीन के 5 बच्चे थे। 6, मधुबाला। हिंदी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री मधुबाला का असली नाम मुमताज बेगम था। 1960 में मुमताज बेगम ने मशहूर गायक किशोर कुमार से शादी करने के बाद मधुबाला नाम रख लिया। मधुबाला की बहन जाहिदा ने भी डायरेक्टर ब्रिजभूषण साहनी से शादी के बाद हिंदू धर्म अपना लिया था। 7, नरगिस। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सुनील दत्त ने 1958 में अभिनेत्री नरगिस से शादी की थी। नरगिस और सुनील दत्त दोनों ही फिल्मों में अभिनय करते थे। संजय दत्त सुनील दत्त नरगिस के बेटे हैं, जो खुद बॉलीवुड में एक बड़े अभिनेता है। 8, चंद्रमोहन बिश्नोई। हरियाणा की राजनीति के बड़े चेहरे भजन लाल के बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई ने भी अनुराधा नाम की एक वकील से शादी करने के लिए इस्लाम अपनाया था। कुछ मौलवियों ने इस धर्मांतरण का ये कहकर विरोध किया था कि चंद्रमोहन केवल शादी के लिए ही इस्लाम अपना रहे हैं, उनके इस्लाम में आस्था नहीं है। चंद्रमोहन पहले से ही शादीशुदा थे और हिंदू लॉ के अनुसार हिंदू केवल एक विवाह कर सकते हैं, और इसके लिए चंद्रमोहन ने धर्मांतरण का रास्ता चुना। 2009 में अनुराधा की रहस्यमयी मौत के बाद चंद्रमोहन वापस हिंदू बन गए थे।